सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और पास में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कि हमारे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक मास पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और ये हमारी मैकेनिक्स की गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं। आप लोगों ने इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इसके फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है और हम ऐसी प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं और दूसरी प्रॉब्लम पर आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइज, ऐसी प्रॉब्लम को आज हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं और आपको इसके फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे और जो भी टर्म है अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि इस फॉर्मूले में ये चीज क्या होती है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है, देन आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे जो प्रीवियस वीडियोज थी, प्रीवियस लेक्चर्स थे, कैसे लगे आप लोगों को। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करके बता दीजिए, हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स लेके आ सकें, ठीक है। वैसे तो जो भी हमारी वीडियोस आ रही हैं आजकल, ये सारी की सारी कम्युनिटी पोस्ट में जो भी आजकल मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, वहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही वीडियोस आ रही है। अपनी तरफ से कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं, जो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो लोग ज़्यादातर डिमांड कर रहे हैं वही वीडियोस हम बना रहे हैं। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी मैं वीडियोस आती है उससे कुछ देर पहले एक पोस्ट जरूर बनाता हूँ जिसमें मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोग को कैसी वीडियो चाहिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, हमारी पहली जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रॉकेट शिप इज 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि हमारे पास एक रॉकेट शिप है गाइज, अब जब ग्राउंड पे है तो उसकी जो लेंथ है गाइज वो हमारी 100 मीटर्स है। तो एक तरह से ये ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन इट इज इन फ्लाइट इट्स लेंथ ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड इज 99 मीटर्स, तो जब ये फ्लाइट हवा में है तो यहाँ पे इसका जो लेंथ है गाइज बोला जा रहा है, जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो हमारी लेंथ 99 मीटर्स है। कैलकुलेट द स्पीड, अब यहाँ पे बोला जा रहा है गाइज कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो चलिए गाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप लोग को यहाँ पे देख लेना है कि कैसे कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको एल एक गाइज गिवन है, यहाँ पे दूसरा भी एक L ही गिवन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है कि ये फ्लाइट है या फिर एयर में है या फिर उड़ रही है या फिर नीचे घूम रही है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि बस उसकी जो लेंथ है 100 मीटर्स है। लेकिन जब यहाँ पे फ्लाइट में है गाइज तब उसकी जो लेंथ हो जा रही है 99 मीटर्स, यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें आपको समझनी है, लेकिन यहाँ से आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो चलिए गाइज अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। बाय द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गाइज, लेंथ विल बी लाइक दिस, एल प्राइम इज इक्वल टू एल इन ब्रैकेट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा L प्राइम है गाइज, ये हमारा ऑब्जर्व्ड लेंथ इन द फ्लाइट, जो हमने यहां पे लेंथ ऑब्जर्व करी थी गाइज 99 मीटर्स, और यहां पे जो L है ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है जब हमारा ग्राउंड पे था ये रॉकेट शिप 100 मीटर्स, ठीक है। तो आपको यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है गाइज, तो आपको L प्राइम भी पता है, L भी पता है, V फाइंड आउट करना है, C आपको पता है जो कि कॉन्स्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट, विच इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लीजिए, रीअरेंज कीजिए गाइज, उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे जब हम रीअरेंज करें गाइज तो यहाँ पे 99/100 होगा, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब दोनों साइड हम होल स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा अंडर रूट था वो हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा बन चुका है कुछ गाइज, 99/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - v² / c², ठीक है। तो हम यहाँ से रेरेंज कर सकते हैं, जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इसको हम इधर लेके आ सकते हैं और ये वाला जो पोर्शन इसको हम इधर लेके जा सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा गाइस, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 99/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 99 का होल स्क्वायर गाइज हमारा ये हो जाएगा और 100 का होल स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से हमने सब्ट्रैक कर लिया गाइज, तो हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से सब्ट्रैक कर लीजिए, 10,000 हो जाएगा माइनस 9,800 इसमें से आप
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा गाइज 199 अपॉन 10 टू द पावर 4 या फिर 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से आपको एक बार अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको हम चाहें तो वी अपॉन सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे से जो होल स्क्वायर गाइज इधर जाएगा तो अंडर रूट इसको बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर जो 4 है ये तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 199 है गाइज ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए गाइज, आपको इजिली बहुत ही हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारी स्पीड होगी। ठीक है, आपको आसानी से बहुत ही ज्यादा अपनी वैल्यू मिल जाएगी, जिसका फॉर्मूला हमने यूज किया है वो हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या फिर लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है कभी कभी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को इसी फॉर्मूले को याद करना है, और आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक ऑब्जर्व लेंथ क्या है और एक हमारी ओरिजिनल लेंथ क्या है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है स्पीड गाइज उस टाइम हमारी 42.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है ना, प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, वॉट इज द लेंथ ऑफ मीटर स्टिक मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ व्हेन इट्स मास इज 3/2 ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो यहाँ पे आपको दो चीजें गिवेन है, बस आपको यही नहीं गिवेन है गाइज, यहाँ पे एक और चीज है जो कि इस क्वेश्चन में हिडन है। तो यहाँ पे वो चीज क्या हो सकती है, हमें ऑब्जर्व्ड लेंथ, ऑब्जर्व कोई चीज कब होगी, जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब मूव करेंगे। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि वो मूव कर रहा है पैरेलल उसके उसकी लेंथ के, लेकिन वो वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन जब हम मूव कर रहे हैं गाइस, तो उस टाइम उसकी जो ऑब्जर्व्ड लेंथ है यहाँ पे गिवन है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ मीटर स्टिक, यहाँ पे मीटर स्टिक नहीं है गाइज, ये बस सीधा सीधा बोला जा रहा है कि वॉट इज द लेंथ ऑफ अ 1 मीटर स्टिक। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं अपनी जो ऑब्जर्व्ड लेंथ है, तो हमें यहां पे एल प्राइम गिवेन है गाइस, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे गिवेन क्या है और क्या मुझे करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे मैं यूज करूंगा वैसे तब समझ में आएगा, तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो वैल्यू आई कहां से, तो इसलिए आप यहां पे ध्यान दे दीजिए कि 1 मीटर ऑलरेडी गिवेन है गाइस। ठीक है, L प्राइम इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड यहां पे साफ साफ देखिए इट्स मास इज इक्वल टू 3/2 ऑफ इट्स रेस्ट मास। 3/2 रेस्ट मास क्या हो सकता है, m नॉट। समझ में आया, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लाइक कर देना। अब यहां पे देखिए गाइज, हम यहां पे दो चीजें लेके चल रहे हैं, अब यहां पे लेंथ वाला भी पोर्शन चल रहा है और एक मास वाला भी, तो हम यहां पे दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप जाएंगे तो एक रिलेटिविस्टिक मास देखने को मिलता है, जो कि फॉर्मूला होता है गाइज m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c². ठीक है, तो हम यहां से रीअरेंज कर सकते हैं गाइज, तो m अपॉन m नॉट हो सकता है। ठीक है, यहां से देखिए ऐसे हो सकता है, अब इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। अब यहां से फिर चाहे तो हम रीअरेंज कर सकते हैं गाइज, जैसे कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे m अपॉन m नॉट है तो इतनी वैल्यू है, तो हम इसको m नॉट अपॉन m कर देते हैं गाइज, मतलब रिवर्स कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हमारा इसका होल स्क्वायर फिर से कर देते हैं, देन ये आपको जो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 - v² / c², देन आप उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे किया है मैंने, यहाँ पे इसको पहले रिवर्स किया देन आपको स्क्वायर करना है, तब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे देख लेनी है गाइज, ये मैंने अभी इसलिए फाइंड आउट कर दिया ना जिससे कि लास्ट में एक वैल्यू यूज करने वाला, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपको यहाँ तक अभी रखना है, ठीक है, अभी इसको मत अज्यूम मत करो, बस आप सोचो कि मैंने इसको फाइंड आउट करा है, बाद में मैं इसका यूज करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गाइस, ये तो होता ही है, L इज इक्वल टू L प्राइम अंडर रूट 1 - v² / c². ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले ले रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 ले ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। उसके बाद इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप लोग साफ साफ L बाई m, इसके साइड भी हमारा हो जाएगा L प्राइम अपॉन m नॉट। ठीक है, तो यहां पे मैं हम डिवाइड कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो दोनों साइड पता ही आपको, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में इसके लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा m आ जाएगा और यहां पे हमारा m नॉट आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जब
यहाँ पे हम इसको ऊपर रख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो ये हमारा अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ वाला जो पोर्शन है गाइज ये हमारा उसके भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है गाइज ये ऊपर आ जाएगा और वो हमारा मल्टीप्लाई होके इसके साथ जो कि ऑलरेडी अंडर रूट था और फिर से एक बार अंडर रूट आके मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बस बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे वैल्यू कुछ अज्यूम करनी जो कि हम स्टार्टिंग से ही अज्यूम करते आ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने अभी वैल्यू वहाँ पे बता दी थी गाइज वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए यही वैल्यू वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये तो है एल प्राइम अपन एम नॉट, एम ऑलरेडी ही है यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ वाला एम यहाँ पे मैं लेके गया हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू थी हमारी एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर, उसके बाद हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं गाइज, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम नॉट से एक एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एल इज इक्वल टू बचेगा गाइज एम नॉट अपॉन एम एल प्राइम। ठीक है, तो एम नॉट अपॉन एम यहाँ से मैंने बोल दिया था 2/3 होगा, या फिर एम इज इक्वल टू जो हमने बोला था 3/2 एम नॉट। ठीक है, तो यही वैल्यू हमने रीअरेंज कर ले जिससे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2/3 और एल प्राइम इज इक्वल टू वन मैंने बता दिया था। ठीक है, तो हमारा जो एल है गाइज 2/3 इंटू वन जो कि हमारा आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ 0.667 मीटर। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे रीअरेंज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे किया है मैंने। यहाँ पे एल बाई एम कर लेना है गाइज, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है डिवाइड इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, तो अब आप डिवाइड कर सकते हैं तो क्या क्या आएगा अब तो आपको पता ही है कैसे करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा लोचा लगता होगा, वही बस हमने कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट नीचे करना होता है। ठीक है, और हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहना है क्योंकि आपको बहुत चीज़ें वहाँ पे मिलती रहेंगी जो आपको यहाँ पे जब भी मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाता दिखूंगा तो आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स के मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखें rajphysicstutorials.in, हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी भी नहीं भूलना है, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।